आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गट्टे की सब्जी। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निगम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। गट्टे की सब्जी बनाने के लिए मैंने बेसन लिया है। इस कटोरी से मैंने एक कटोरी बेसन लिया, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हम इसमें मिलाएंगे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मिलाएंगे हल्दी पाउडर। आप अपने हिसाब से मिश्रण कर सकते हैं, जितना आप तीखा पसंद करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम अजवाइन डाल रहे हैं, तो इसको ऐसे ऐसे मल के इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा हम इसमें हल्का से नमक डालेंगे, क्योंकि अभी सब्जी में भी नमक पड़ेगा, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ही नमक डाल रहे हैं। ये सभी चीज़ों को और थोड़ा सा हम इसमें जो है तेल ऑयल डालेंगे, जो इससे क्या होगा थोड़ा अच्छा और बनेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल डाले हैं, इसको बढ़िया से ऐसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसका बढ़िया से आटा लगाएंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐसे बढ़िया थोड़ा से ऐसे सान लेना है। तो बढ़िया आटा लगा लेना है, ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, ज़्यादा टाइट हो, बढ़िया आटा होना चाहिए। बस इसको ऐसे करके आप यहाँ पर ऐसे बस रख सकते हैं। इसको 5 मिनट के लिए हम बस ऐसे ही रख देंगे। बेसन हमारा बढ़िया सेट हो चुका, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा सूखा आटा गेहूँ के लिए, आप बेसन भी ले सकते हैं। अब इसकी ऐसे ऐसे करके लोइयाँ बना लेनी है, ऐसे करके लोइयाँ बना के थोड़ा ऐसे ऐसे इसको प्रेस कर लेना है ऐसे। फिर यहाँ थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको बढ़िया से बेल लेना है, रोटी की तरह बढ़िया हल्के हाथ से। पतला ही बेलना है, मोटा ज़्यादा नहीं बेलना, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम कुछ ऐसे बेले हैं, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है, आप अपने हिसाब से बेल सकते हैं। ये मैंने एक पेन लिया है, ये इतना बड़ा है। आप लकड़ी से भी, अगर कोई लकड़ी हो तो उससे भी कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर देना है। अब बस ऐसे ऐसे करके पूरा ऐसे ऐसे इसको फोल्ड कर देना है। देख सकते हैं बहुत आसानी से हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा से इसको ज्वाइंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ज्वाइंट ना हो तो आप क्या करिए, थोड़ा सा आटा घोर के और यहाँ पर पेस्ट लगा दीजिए और फिर इसको ऐसे बंद कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये बढ़िया से बंद हो जाएगा। अब इस पेन को हम ऐसे निकाल लेंगे, बहुत आराम से हो जाता है। फिर एक चाकू लेंगे हम, पीसेस आप अपने बराबर अपने हिसाब से काट सकते हैं। देखिए हम कुछ ऐसे काट रहे हैं, होल इसमें बहुत आराम से हो जाएगा। ये देखिए सारे पीसेस हम ऐसे ही काट लेंगे। देखिए हमारे बढ़िया गट्टे रेडी हो चुके हैं। जब ये उबाले जाएंगे तब इसमें ऑटोमेटिक बढ़िया से होल हो जाएगा। हम दूसरा बनाते हैं। हम आपको फिर से बता रहे हैं, बस ऐसे इसको करना है, यहाँ से ऐसे फोल्ड, बस ऐसे धीरे धीरे इसको बस ऐसे ही करते जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं खूब आराम से। अगर ये आपका ये ज्वाइंडर नहीं होता तो यहाँ पर थोड़ा सा आटा घोल लीजिए, ये ऐसे देखिए यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए, ये ऑटोमेटिक ज्वाइंट हो जाएगा। और फिर इसको यहाँ ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, फिर ऐसे ऐसे थोड़ा सा कर दीजिए। पिन को यहाँ पर ऐसे निकाल लीजिए, चाकू लीजिए, फिर इसको ऐसे अपने हिसाब से बढ़िया ऐसे काट सकते हैं, जितना बड़ा आपको चाहिए। ऐसे फिर पेन लीजिए, अगर हाँ आपको होल अभी करना है तो यहाँ पर ऐसे करके होल कर सकते हैं। ये देखिए हो जाएगा खूब आराम से। ये देखिए देखिए मैंने कुछ ऐसे किया है, इतने सारे ये हो गए हैं। सभी को ऐसे ही बना लेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया है उबलने के लिए। पानी हमारा उबल चुका है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और यहाँ पर जो मैंने गट्टे बनाए थे अभी इन्हीं को इसमें डाल दूंगी, तो बढ़िया से
उबल जाएंगे, एक चिपकेंगे नहीं, उबाल डालने से क्या होता है चिपकते नहीं हैं। तो इनको बढ़िया से हम उबाल लेंगे सॉफ्ट होने तक। इनको हम लगभग 5 मिनट तक, ज़्यादा तेज आंच में नहीं उबालेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं गट्टे हमारे कितने बढ़िया उबले हैं, इसमें इतना बढ़िया होल है, बहुत अच्छे उबले हैं। इसको मैंने कम से कम वही 5 मिनट तक उबाला है ढक करके, देखिए। और जो इसमें का हमारा ये पानी बचा है, इसको हमको सब्जी में यूज करना है, इसको हम फेंकेंगे नहीं। मसाले मैंने पीस के रेडी किया है, इसमें धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, अदरक है, लहसुन है, थोड़ी सी प्याज है, ये सभी चीज़ों को मैंने बढ़िया से पीस लिया। इसमें हल्दी भी डाला है, बहुत अच्छा मसाला ऐसे पीसने पर बनता है। तो मसाला मैंने रेडी कर लिया है, कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया था, इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। तेल हमारा गर्म हो चुका था, यहाँ पर हम जीरा का तड़का लगाएंगे। तो हमने यहाँ जीरा डाल दिया है, तड़का हमारा हो गया लगभग। अब यहाँ पर हम थोड़े से तेज पत्ते डाल रहे हैं। अब ये मसाला डालेंगे, क्योंकि गट्टे की सब्जी है, गट्टे की सब्जी में प्याज इतना ज़रूरी नहीं रहता है। अगर आपको पसंद हो तो प्याज का तड़का लगा सकते हैं, हमने मसाले में पीस लिया था। अब इसको हम लगभग धीमी आंच से 5 मिनट तक बढ़िया पकाएंगे। थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। मसाला हमारा बढ़िया पकने लगा, तो यहाँ हम स्वाद के अनुसार नमक डाल रहे हैं, क्योंकि हम उसमें गट्टे में भी नमक डाले हैं, तो यहाँ हमको ज़्यादा नमक नहीं डालना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा डाल रहे हैं कस्तूरी मेथी, और मसाले को हम 5 मिनट तक बढ़िया से पका लेंगे। मसाले हमारे बढ़िया पक चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत तेल एकदम छोड़ दिया मसाला। आप चाहें तो इसमें आगे ही पानी डाल सकते हैं, और चाहें तो आगे इसको डाल दीजिए जो आपने गट्टे बनाए हैं। तो हम आगे इसको डाल रहे हैं, क्योंकि पानी तो गर्म है, पानी हम चाहे आगे ही डालें चाहे पीछे डालें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम आगे इसको थोड़ा से तल ले रहे हैं, इससे क्या होगा थोड़ा स्वाद और बढ़ जाएगा। इसको हम धीमी आँच से लगभग हम 2 मिनट तक तलेंगे ऐसे ही। इसको हम थोड़ा ढक के 2 मिनट तक ऐसे पकाएंगे। हमने बढ़िया से गट्टों को बढ़िया भून लिया है, देखिए कुछ ऐसे है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, अगर आपको टमाटर पसंद है तो आप इसे मसाले साथ टमाटर भी पका सकते हैं। तो मैंने यहाँ टमाटर ऐड नहीं किया है, लाल मिर्च के दर पर आप हरी मिर्च यूज कर सकते हैं, आप अपने पसंद से मसाले बना सकते हैं। तो यहाँ जो हम गर्म पानी रखे थे इसके उबले हुए गट्टे के, अब इसी पानी को हम यहाँ डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालिए जितना आपको जूस पसंद हो, क्योंकि अभी थोड़ा से पकने में इनको टाइम लगेगा, इसलिए अंदर तक बढ़िया से पक जाएंगे। हालांकि पानी में हमने इनको उबाला है तो ये पक चुके हैं काफ़ी हद तक। तो यहाँ पर भी हम पकाएंगे लगभग 5 मिनट तक, इनको ढक करके हम लगभग 5 मिनट तक पकाएंगे। लीजिए हमारी गट्टे की सब्जी बढ़िया रेडी हो गई दोस्तों, ये बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। देखिए हमने बेसन से बनाया है, इसका कितना बढ़िया पीसेस हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत अच्छी पीसेस बनी हैं। ये देखिए बहुत अच्छी सब्जी बनी है, आप बना के देखिए एक बार, इसको खा के देखिए सब्जी हमारी कैसे बनी है। आप अपने घर में बहुत आसानी से गट्टे की सब्जी बना सकते हैं। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।